तो हम इससे अभी पेशाब के रास्ते जाके स्टोन तक जाएंगे और सामने स्क्रीन पर स्टोन को देख के लेजर से उसको तोड़ेंगे। उसको बोलते हैं फिश माउथ, क्योंकि ये पेशाब का, देखिए जैसे मच्छी का मुंह है वैसे खुलता बंद होता है। आपका स्टोन है ये, पत्थर दिख रहा है ये ना, अंदर आ गए हम ये। हाँ, इसको तोड़ेंगे अब हम। ये स्टोन देखो हमें सारा ख़त्म हो गया है। ये लेज़र, किसको लेज़र बोलते हैं, देखो सारा ना लेज़र की वजह से ये सारा चकनाचूर हो गया। देखो कोई ब्लीडिंग नहीं है, कुछ नहीं है, सारा का सारा अब जो पाउडर बन गया है। तो वेलकम फ्रेंड्स, आज हम एक पेशेंट है, 35 ईयर ओल्ड फीमेल है, उनका किडनी स्टोन है। किडनी स्टोन है जो ये है सीटी स्कैन, सीटी स्कैन में दोनों किडनी दिख रही है आपको। तो ये कट्स है, 1, 2, 3, 4, तो हर, तो ये आगे से ये कोरोनल कट्स है, मतलब ये कट्स ऐसे बॉडी को कट लगाया गया है। तो ये किडनी है, देखिए किडनी में सूजन नहीं है, पर ये किडनी की जो पाइप है, किडनी की पाइप में स्टोन है। तो ये राइट है, ये लेफ्ट है, ये लेफ्ट किडनी की पाइप ऐसे जाती है। ये रीढ़ की हड्डी है, ये किडनी है, ये मसल है, ये कूल्हे की हड्डी है, ये मसाना है। तो ये आप देखिए, ये वाइट, ये स्टोन है, ऑलमोस्ट 9 mm का स्टोन है। ये किडनी से उतर के ब्लैडर तक आ चुका है ऑलमोस्ट, पर ये 9 mm का स्टोन है, ये बाहर निकलने नहीं वाला, क्योंकि ये लेडीज़ है, लेडीज़ में पेशाब का रास्ता होता है 7 mm का, तो 9 mm का स्टोन आएगा नहीं। और ये स्टोन इनको पेन भी कर रहा है, जलन भी कर रहा है, और ये धीरे धीरे किडनी ख़राब भी करेगा। तो ये भी कट्स है इसमें, आप देखिए ये रस्टोन बिल्कुल। तो ये ब्लैडर है, पूरा भरा हुआ नहीं है, पर ये ब्लैडर है, ये इंटेस्टाइन्स है, ये स्टोन है। तो आज हम इनको लेज़र के तरीके से बिना कट बिना चीरे, ये पेशाब का रास्ता है इनका, यहाँ से जाएंगे पेशाब के रास्ते से और किडनी में जाके उस स्टोन को लेज़र से ब्लास्ट करेंगे। तो कम टू द ऊटी एंड अब मैं आपको इनकी लेज़र URS कैसे होता है वो सर्जरी दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। तो हो सकता है आपको CT समझ में आ गया, देखना तो अपना CT खुद देख सकते हैं, और स्टोन है तो उसको 9 mm का है तो वो लेज़र से निकलेगा, वो सर्जरी में आपको दिखाऊंगा। और ये हमारी जालिम सिस्टम, मैं करके जाऊँगी वो URS में करूँ। सभी कभी बहू थी, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। तो हम आपको किडनी स्टोन की सर्जरी दिखाते हैं। ये हमारा किडनी स्टोन का OT है। दो ग्लव्स, सो बहुत सारा ताम झाम चाहिए होता है लेजर स्टोन सर्जरी के लिए। सर्कमसीजन में कुछ नहीं चाहिए, इसमें बहुत कुछ चाहिए। तो अभी हमारे साथ हमारी सिस्टर है, वेल ट्रेंड सजिता, हम केस स्टार्ट करेंगे, आपको स्टोन दिखाएंगे, तब मिलेंगे आपसे। तो लेज़र सर्जरी में लेज़र इस्तेमाल होती है, आज हम करेंगे थूलियम फाइबर लेज़र इस्तेमाल, TFL 35 वाट की। हमारे लेज़र वाले भैया बताएंगे लेज़र के बारे में। तो लेज़र की खास बात क्या है, 60 वाट की है, पोर्टेबल है, यूरोलेस SP है, इस टाइम इंडिया की बेस्ट मशीन है ये जो यहाँ पर अवेलेबल है। ये थूलियम फाइबर का खास बात क्या है, ये स्टोन को डस्ट कर सकती है। होलियम लेज़र क्या है, स्टोन को तोड़ती है, थूलियम फाइबर लेज़र स्टोन को एकदम जैसे वेपराइज कर देती है, जैसे स्टोन एकदम मेल्ट होके, अभी दिखाएंगे आपको, बबलिंग होके ऐसे लगता है जैसे लड्डू है गायब। तो इस टाइम ये बेस्ट लेज़र है स्टोन के लिए, विच इज़ अवेलेबल फॉर सर्जरी। तो उसकी वो सेटिंग बारे में बताओ, सेटिंग वेटिंग कैसे करते हैं थोड़ा। ये डस्टिंग का सेटिंग है बेटा, फॉलोइंग जो है इस मशीन से क्या क्या कर सकते हैं हम, लेज़र कर सकते हैं, प्रोस्टेट हो सकता है ऐसे, और ठीक, और बोलो बोलो थोड़ा, बोल सकते हो थोड़ा, 2 मिनट बोलो यार, क्या हो गया बताओ पब्लिक को, ये मशीन के फ़ायदे। अगर तो आप जब भी स्टोन सर्जरी कराओ तो लेज़र की डिमांड करो, तो बोलो हमें IPG का थूलियम लेज़र ही चाहिए, उसी को मंगवाओ, उसी से कराओ, क्योंकि उससे रिजल्ट अच्छे है। ये मशीन क्या लगी हुई है सामने, तो ये CR मशीन है, ये बेसिकली एक्सरे लेने में 2 पार्ट होते हैं, वो स्क्रीन है और ये दिखाओ सामने क्या है, ये वाला वो स्क्रीन है, और ये CM का CR में, इसको C बोलते हैं, क्योंकि पूरा C की शेप में है, इसमें एक पार्ट मरीज के नीचे और एक पार्ट मरीज के ऊपर आता है। तो इससे हम एक्सरे लेंगे देखने के लिए कि स्टोन है कहाँ पर और किडनी में कहाँ पर हम स्टेंट डालने वाले हैं, ठीक है। सामने ये हमारे एनेस्थेटिस्ट है, सीनियर एनेस्थेटिस्ट है डॉक्टर जैन, एंड हमारा सबसे इम्पोर्टेंट काम इन्हीं का है, क्योंकि यही मरीज़ को सुरक्षित रखती है सर्जरी के ड्यूरिंग। हमारे बहुत अच्छी GE की एनेस्थीसिया मशीन है, तो ये इस, हाँ ये मशीन से हम कार्डियक केस तक कर सकते हैं, पर हम यूज़ करते हैं हमारे यूरोलॉजी केसेस में। तो फुल्ली स्टॉक्ड मशीन है, और ये हमारा
स्ट्राइकर का, इधर ये हमारा स्ट्राइकर का कंसोल है, दिखाओ कंसोल, बताओ कंसोल के बारे में। स्ट्राइकर और स्टोर्स का है स्ट्राइकर, ये जर्मन है ये, हाँ दो मुझे वो दो। स्टोर्स का है, इसमें हाई डेफिनेशन कैमरा है, देखिए ये कैमरा दिखाएंगे, कैमरे से हम लोग जाएंगे अंदर, क्योंकि हमें बॉडी के अंदर देखना है तो हमें अच्छी क्वालिटी का कैमरा। तो कैमरा है और इसको हम यूज़ करेंगे अभी अपने केस में, ठीक है। तो ये हमारा, तो ये है हमारा जिरेट्रोस्कोप, इसमें यहाँ पर कैमरा लगेगा और ये इसकी टिप है। तो हम इससे अभी पेशाब के रास्ते जाके स्टोन तक जाएंगे और सामने स्क्रीन पर स्टोन को देख के लेजर से उसको तोड़ेंगे। इसको बोलते हैं नॉन फ्लेक्सिबल जिरेट्रोस्कोप, सेमी रिजिड जिरेट्रोस्कोप, और इससे बिना कट चीरे के हम स्टोन को अब निकालेंगे और सर्जरी स्टार्ट करके फिर से मिलते हैं आपसे। तो ये देखिए पेशाब का रास्ता है, हमने इसमें जाना है और ये इसको बोलते हैं फिश माउथ, क्योंकि ये पेशाब का रास्ता, देखिए जैसे मच्छी का मुंह है वैसे खुलता बंद होता है, इससे प्रूव होता है कि हम भी फिश से आए हैं कहीं ना कहीं एवोल्यूशन में। हाँ एक मिनट ये निकालो सिस्टम, ठीक है। अब इसको बोलते हैं गार्ड वायर, गार्ड मतलब ये हमारा मार्गदर्शक वायर है जो हमें बताएगा कि हमें जाना कहाँ पर है। ये हमको ये अर्जुन की तरह सिस्टम को, ये देखो ओके चलो, तो हम इसके पीछे पीछे चलेंगे ओके। ओहो स्टोन दिख गया, स्टोन वी आर हेयर, उनको दिखा दो स्टोन एक बार, उनका थोड़ा हेड अप और कर सकते हैं क्या मैम? मैडम आप स्टोन देखिए अपना, पर पेशेंट को भी दिखा, हाँ आपका स्टोन है ये, पत्थर दिख रहा है ये ना, अंदर आ गए हम, ये हाँ आज को तोड़ेंगे अब, हम रास्ता बना लिया हमने अपना, अब हम जाके इसको डस्टिंग करके आए। तो ये लेज़र फाइबर है, ये दिखाओ लेज़र फाइबर, तो ये लेज़र फाइबर है, ये फाइबर बहुत बारीक होता है, इसको हम डालेंगे इसमें और इसके बाद हम जाएंगे, मेरे को फुट पैडल दो। ये 9mm का स्टोन है, ये हम पूरे के पूरे को आराम से प्यार से तरीके से शहजा से अच्छे से बिना किसी तकलीफ के थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे तोड़ देंगे। तो ये लेज़र की वजह से चीज़ें बहुत आसान हो गई है, इन्हीं स्टोन्स को पहले तोड़ना पड़ता था, आप देखो किस तरीके से एकदम लड्डू की तरह ख़त्म हो गए, और यही हम लगे जाते थे डेढ़ डेढ़ घंटा तोड़ रहे हैं, इंजरी हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है, पेशेंट को पेन हो रहा है। अब ये टेक्नोलॉजी तो टेक्निकल एडवांसमेंट दुनिया के काम आती है, ये टेक्नोलॉजी देखो लेज़र टेक्नोलॉजी किस तरह, खत्म हो गया, आधा क्या हो गया, हल तो आधा लग रहा है, ये हमारे वीडियो वाले को मैथमेटिक्स नहीं आती है, ये आधा बता रहे हैं उसको, थोड़ा स्लो करिए, नहीं नहीं आधा है, ये मैथमेटिक्स के कमज़ोर लड़के, इसीलिए डॉक्टर भी पढ़ाते हैं मैथमेटिक्स ज़रूरी है PCM, ताकि बता पाए कि आधा क्या है और कंप्लीट क्या है। ये दिखा दो इनको, उनका स्टोन ख़त्म हो गया। यस सर, दिख रहा है। तो तेरे को दिख रहा है, इनको भी दिखना चाहिए ना सर, वो स्क्रीन में रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ थोड़ा कम करना, ये स्टोन देखा वो सारा ख़त्म हो गया है, ये लेज़र किसको लेज़र बोलते हैं, देखो सारा ना लेज़र की वजह से ये सारा चकनाचूर हो गया, देखो कोई ब्लीडिंग नहीं है, कुछ नहीं है, सारा का सारा अब जो पाउडर बन गया है, ठीक है। अभी किडनी सेफ हो गई, स्टोन सारा पाउडर बन गया, काम ख़त्म। और आप आगे ना बने तो इसके लिए आपको डाइट बताएंगे, तो वो डाइट आपको ख्याल रखना है, और फिट होने के बाद थोड़ा रिलैक्सिंग दिया आपने इनको, देखो फाइन बुरा था गोल्डन सैंड, एक मिनट ये है ना, सिक्स
अच्छा अच्छा ठीक है तो ये पेशाब की नलकी देखिए, ये हम जाएंगे साथ साथ किडनी तक, और किडनी में धुल जाए एक बार। ये हम जा रहे हैं अंदर पूरा, ये किडनी, हम किडनी का आ गया दोबारा, देखो ये किडनी आ गई, तो ये किडनी पूरी की पूरी, ये देखो किडनी का ये लेफ्ट भाग राइट भाग सारा साफ है, और हम किडनी को पूरा धो के हम ये आ गए बाहर। तो किडनी पूरी साफ हो चुकी है, यूरेटर देखिए बिल्कुल क्लीन है, कोई पत्थर नहीं है, और सारा डस्ट हो चुका है, और अब हम इसमें डालेंगे स्टेंट। अच्छा स्टेंट लोड करो, तो इसको बोलते हैं डीजे स्टेंट। तो ये स्टेंट बेसिकली सिलिकॉन का होता है, और ये स्टेंट डालते हैं किडनी, अभी जैसे सर्जरी हुई है तो किडनी में ब्लॉकेज ना हो, कचरा निकल जाए, तो 5-7 दिन इसको रखते हैं, बड़ा सॉफ्ट होता है ये, तो इसको रखेंगे 5-7 दिन, तो इससे 7 दिन बाद इसको निकाल देंगे, इससे किडनी सेफ हो जाती है और सूजन ख़त्म हो जाती है। तो ये स्टेंट डालेंगे, इसके लिए हमें सिस्टोस्कोप की डायरेक्ट नहीं डालेगा, तो ये दूसरी दूरबीन है, इसको सिस्टोस्कोप बोलते हैं, ये मोटी है, इससे स्टेंट डालने का काम आएगा। तो अब हम स्टेंट चढ़ाएंगे, और स्टेंट चढ़ा के फिर हम पेशेंट को शिफ्ट करेंगे उनके पोस्ट ऑपरेटिव में, फिर रूम में, और कल तक या आज रात तक जैसे पेशेंट को कम्फर्ट होगा उनको घर भेज सकते हैं। तो जो लेज़र सर्जरी की खास बात यही है कि इस सर्जरी से देखिए ब्लीडिंग नहीं होती है, फिर देखिए ये स्टैंड जा रहा है, खाली है। तो ये स्टैंड आप देखिए, ये स्टोन के चूरे हैं, ये पेशाब में निकल जाएंगे, और ये अपना स्टैंड है, पेशाब की नलकी ठीक है, ब्लैडर अच्छा है, ठीक ओके। इसको बोलते हैं लेज़र स्टोन सर्जरी है, URS, एंड आई थिंक इस तरह डिटेल में शायद नहीं दिखा सकते। तो अगर आपको स्टोन है तो हो सकता है कि आपको ज़रूरत पड़े, तो ये सिंपल सेफ अच्छी सर्जरी है। ओके, टेक केयर, बाय।